यूएन के न्यूक्लियर चीफ की चेतावनी को लेकर यह अगली बड़ी खबर है, जहां ज़ापोरिज़्या प्लांट से बड़ी तबाही का खतरा बढ़ता जा रहा है और न्यूक्लियर प्लांट को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत बताई जा रही है। आपको बता दें, न्यूक्लियर प्लांट के पास हालात बेहद खतरनाक हैं और इसी को लेकर यूएन ने एक बार फिर से अलर्ट किया है। कुछ ऐसी ही तबाही दुनिया जल्द देखेगी और इस तरह की तबाही का केंद्र होगा यूक्रेन का ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट। लाउड स्पीकर से ज़ापोरिज़्या को खाली करने की चेतावनी बिल्कुल ही सामान्य नहीं है। रूस समर्थित लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जल्दबाजी भी चौंकाने वाली। बस की कतार और इसी साधन से व्यापक स्तर पर पलायन का संदेश क्या है? संदेश है रूस से जारी हुआ पैगाम, एटमी विनाश का अलार्म। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु प्रमुख ने रूसी कब्जे वाले ज़ापोरिज़्या में खतरनाक हालात की बात कही है। इंटरनेशनल एटमी एनर्जी एजेंसी की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई। आखिर ऐसा क्यों है, आप हालात समझ लीजिए। ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस का कब्जा है। दावे के तहत रूस ने प्लांट को एटमी अटैक का एपिसेंटर बना रखा है। रूस हमले में न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल कर सकता है और न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट की स्थिति भी रूस ने निर्मित कर दी। प्लांट पर बारूदी हमले की आशंका भी गहरा रही है और इसका प्रमाण है ज़ापोरिज़्या से पकड़े गए आतंकियों की प्लांट को तबाह करने की साजिश।